दोस्तों आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं करीब 3 से 4 स्टॉक का अपडेट आपको देने वाला हूं। और दोस्तों पहला स्टॉक आपके सामने आ चुका है रिलायंस का। मैं बिग अपडेट आया है दोस्तों कि रिलायंस का जो अभी आपको पता है जियो की लिस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन आज जियो के 5G की टेस्टिंग देखने को मिली थी दिल्ली में। रिलायंस जियो की जो सर्विस का जो ट्रायल हुआ उसमें 1 GBPS की स्पीड दोस्तों मिली है डाउनलोड की। तो आप समझ सकते हैं रिलायंस के अंदर क्या शानदार मोमेंटम आगे आने वाले सालों में आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि आपको पता है आगे आने वाले सालों में इस जियो की जब लिस्टिंग होगी तो RIL की बहुत ही शानदार दोस्तों वैल्यू अनलॉकिंग आपको देखने को मिल सकती है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। और रिलायंस कोई दोस्तों छोटा मोटा स्टॉक तो है नहीं दोस्तों, आपको पता ही है मार्केट लीडर है अपने सेक्टर का, और इंडियन की स्टॉक मार्केट में इसकी दोस्तों एक अलग ही पहचान है। क्योंकि तो दोस्तों ये कंपनी थोड़ी मोड़ी नहीं दोस्तों 16.5 लाख करोड़ की कंपनी है, और दोस्तों आज भी थोड़ा ही प्लस था और निफ्टी में काफ़ी अच्छा वेटेज रखती है दोस्तों कंपनी। अगर आप सेफ स्टॉक लेना चाहते हैं तो रिलायंस से बेहतर कोई स्टॉक होगा नहीं। 5 साल में पैसे को लगभग 2.5 गुना किया, और दोस्तों यदि हम आप बात करें लॉन्ग टर्म में तो रिलायंस ने भी बहुत ही ताबड़तोड़ रन कमा के दिया है। और अभी तो दोस्तों उसकी ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत हुई, आपको जानते ही हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, और इसने लॉन्ग टर्म में 9,784% रिटर्न दे के पैसे को लगभग 98 टाइम से भी ज़्यादा, लगभग 100 गुना आप मान सकते हैं, 99 गुना तो किया ही है दोस्तों। तो RIL की जो आज 5G की टेस्टिंग थी वो बहुत ही शानदार उसके रिजल्ट देखने को हमको मिले हैं दोस्तों। अगली अच्छी खबर, बेहतरीन कंपनी IT सेक्टर को बिलोंग करती है, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के लिए निकल के आ रही है दोस्तों। और ये स्टॉक अपने आप में दोस्तों आप जानते हैं कि मल्टी बैगर साबित हुआ है जब से ये मार्केट में लिस्ट हुआ है। अभी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन प्राइजेस पे आपको अवेलेबल है, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप, और मार्केट ने इसको हमेशा ही बहुत ही बेहतरीन प्रीमियम प्रोवाइड किया। इसकी वजह भी है दोस्तों जिस तरीके के काम है डाटा चेन का, रोबोटिक्स, AI, बहुत सारे ऐसे काम करती है जो एक मल्टी बैगर के तौर पर आगे आने वाले सालों में जानी जाएगी दोस्तों। 1580 का हाई जरूर स्टॉक ने लगाया था, लेकिन इस साल काफ़ी पेनफुल रहा इसके लिए, 26-27% अभी भी टूटा है। जो स्टॉक 1580 के भाव पे आपको मिल रहा था वो अभी आपको 1,000 रुपये पे मिल रहा है दोस्तों। लिस्टिंग से अब तक अच्छे खासे परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं। सितंबर 2020 में कंपनी लिस्ट हुई थी, तब से दोस्तों करीब करीब 181% के सॉलिड रिटर्न कमा के इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को दिए हैं। और दोस्तों जो अपडेट निकल के आ रहा है हैप्पीएस्ट माइंड के लिए, आपको देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के टेक्नोलॉजी का जो बोर्ड है, आपको पता है एक शानदार मैनेजमेंट वाली कंपनी है, वो यहाँ पे फंड रेज का प्लान हो रहा है। कैसे किया जाएगा दोस्तों, ये डेट बॉन्ड के थ्रू 1400 करोड़ ये फंड को रेज करने वाली है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा मोमेंटम आगे आने वाले समय में इस स्टॉक में भी बनता आपको दिखाई देगा। और हैप्पीएस्ट माइंड के अलावा भी बहुत सारी IT की कंपनियाँ जिनमें काफ़ी बड़े मोमेंटम की उम्मीद आप कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो अगला अपडेट आ चुका है रिलैक्सो फुटवेयर के ऊपर दोस्तों। मैंने कल भी इसके ऊपर आपको बताया था एक नया टारगेट निकल गया था, लेकिन दोस्तों इसके बारे में आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जिसने भी 1 लाख रुपए लगाया ना 55 करोड़ की वेल्थ बनाई, साथ में 3 बार बोनस भी दिया है। इतनी दमदार कंपनी है दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा ये फुटवेयर सेक्टर की जान है ये स्टॉक, तो इस स्टॉक पर आपको नज़र रखनी है। इसने जो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है हम उसको वहाँ से आपको दिखाते हैं, तो आप देखिए 5 साल में यहाँ से अभी भी इतना करेक्शन के बाद भी ये स्टॉक 300% के रिटर्न देता दिखाई दिया है। 1447 रुपये का हाई लगाने वाला स्टॉक अभी 1010 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। और दोस्तों लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न है यहाँ पर जो रिटर्न हमको दिखाई दे रहे हैं वो 1999 से देखने को मिलते हैं, वो करीब करीब 70,000% के रिटर्न है। और दोस्तों जो अपडेट निकल के आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। मल्टी बैगर स्टॉक जंप 1000 गुना, टर्न 1,00,000 to 55 करोड़ आफ्टर 3 बोनस शेयर, शुड यू बाय। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल दिया हुआ है रिलैक्सो के बारे में, वन ऑफ द लीडिंग फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। रिलैक्सो फुटवेयर मैन्युफैक्चर अ लार्ज सिलेक्शन ऑफ फुटवेयर्स, आपको पता है एक ऐसी कंपनी रही है जिसके बहुत ही तगड़े तगड़े ब्रांड हैं। आपको पता है स्पार्क इसका ब्रांड है, ब्रह्मास, फ्लाइट, और ये स्कूल में आप जो पहनते होंगे बहुत सारे बच्चों ने, आपने भी पहना होगा, हमने भी पहना है, स्कूल मेट करके इनका एक और ब्रांड है। तो दोस्तों एक ऐसी कंपनी रही है जिसने निवेशकों को भयंकर पैसा बना के दिया है। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है। रिलैक्सो ऐसा नहीं चल नहीं रहा तो क्योंकि अच्छी कंपनी नहीं है, जब चलेगा तो फिर मौके नहीं देती ये कंपनियाँ, ये बात आप अपने माइंड में हमेशा रखिएगा दोस्तों। आज की आखिरी खबर दोस्तों दुनिया के, भारत के लिए सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, ये याद रखिएगा। दुनिया के जो टॉप 25 इन्वेस्टर हैं, इंडिया के नहीं मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में जो 25 इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने अभी तक इंडिया में निवेश भी नहीं किया है। इनके आने से बदल जाएगी स्टॉक मार्केट की तस्वीर दोस्तों। मधु कैला की तरफ से जो कि फाउंडर हैं
फाउंडर एंड सीईओ हैं एम के वेंचर, इनका कहना है कि ये सभी इन्वेस्टर इंडिया में जिस प्रकार से अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आगे आने वाले सालों में निवेश कर सकते हैं। और जैसा आपको पता ही है कि टारगेट भी आ रहा है कि 2047 मतलब आगे आने वाले 25 सालों में इंडिया 40 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की राह पे चल चुका है दोस्तों। और आपने देखा आज आरआईएल ने टेस्ट करके भी दिखा दिया है अपनी स्पीड को। तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट एक दिन की जगह नहीं है, यहाँ पर निवेश करके आपको भूलना पड़ेगा। अगर आप भूल के स्टॉक में भूल गए लगा के पैसा, तो यकीनन आपको लोग नहीं भूल पाएंगे। इस बात को आप हमेशा मेरी माइंड में रखिएगा। तो बस जब भी मौका मिले अच्छे स्टॉक नीचे मिले खरीदते रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो पसंद आए वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।